मेरा नाम रमेश खान है एंड आई एम नॉट अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, लेकिन इस बार आपका भाई रमेश खान पहुंच गया थाईलैंड बैंकॉक एंड आई थॉट टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू द रिक्लाइनिंग बुद्धा इन बैंकॉक। ग्रैंड पैलेस के कुछ ही दूर रिक्लाइनिंग बुद्धा है, तो आई थॉट जस्ट वॉक ऑफ एंड रीच द लोकेशन। अच्छा, तो मैं पहुंच गया हूँ, ये बहुत बुढ़ा इनका है कोई रिक्लाइनिंग बुढ़ा, वहाँ लिखा हुआ मैंने देखा। और यहाँ पे बुढ़े ज़्यादा नज़र आते हैं, जैसे आपको एक बुढ़ा दिखाता हूँ मैं, ये बुढ़ा अंकल। अंकल जी कैसे हैं आप? अच्छा, ये बुढ़े अंकल हैं द रिक्लाइनिंग बुढ़ा। और इस तरह के अंदर बहुत सारे बुढ़े हैं, और अभी अंदर जाएंगे लाइट साइड नज़र आ रही होंगी उस साइड पर, तो चलो चल रहे हैं। एक पीछे की तरफ ही हमारे देखो एंट्रेंस वहाँ से हुई थी, वहाँ पे बूढ़े खड़े हैं। और वो मेन एंट्रेंस पे जो चेक करता है ना शॉर्ट्स और वो, ये ना किसी ने पहनी हो, तो वो भी बूढ़ा ही खड़ा है। देन आई रीच द रिक्लाइनिंग बुद्धा एंड आई बॉट अ टिकट। अच्छा, उस टिकट के साथ एक ऑफर थी कि हम जैसी टिकट दें और हम एक फ्री पानी की बॉटल, एक या दो या अपनी मर्जी से ले सकते हैं। बुद्धा है ना, ये एक स्माइल करता है और एक गुस्से में है, तो ये पता नहीं क्या सीन है यहाँ पर, इनका बुत वाला सिस्टम है, यहाँ पूज वगैरह रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ सीन है। अच्छा, ये एक वाटरफॉल टाइप सा उन्होंने बनाया हुआ अंदर, और बड़े मज़े का लग रहा है। और अंदर मछलियाँ भी छोड़ी हुई हैं, ये आपको नज़र आएंगे, कोई फिश हैं जैपनीज मेरे ख्याल से, या थाई फिश हैं, इनको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बड़ा मज़े का लग रहा है। और ये जमा फेक नज़र आ रहा है आपको, मतलब सही क्रेजी जगह है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वाटफो है, वाटफो, ये मतलब यहाँ पे ज़रा इनका कोई रिलीजियस सीन है यहाँ पर, और हाँ समझ जाओ जो भी है। बाकी गोरे गोरे बड़े हैं भाई, चाइनीज़ गोरे, और मेरे पीछे आप देख लें। द प्लेस आई विजिटेड वॉज अ पीस ऑफ आर्ट। के सारे जो स्टैचूज वर गोल्ड प्लेटेड एंड दे वर लुकिंग मार्वेलस। अगर आप अंदर जाएं तो जूते उतार के जाना पड़ेगा, और मैं जूते नहीं उतारूंगा क्योंकि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि ये सब आपको आपसे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सारे पाकिस्तानी और इंडियन को यहाँ थाईलैंड के बुद्धा की तरफ से आशीर्वाद। एंड हेयर आई रीच्ड द बिगेस्ट द लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा। Visiting Reclining Buddha was the best experience I've ever got. हर रिलीजन, हर कास्ट के लोग यहाँ पर आए हुए थे। But everyone was respecting each other religion, and all were from different opposite religions, and sab Buddhist temple ke andar unki bhi respect kar rahe the. That one thing I liked about everyone there. Duniya ki afra tafri chalti rahi jaise chalti thi hamesha. Hum aaj Pakistan the aur kal Thailand mein. Kuch pata nahi hum kal kahan honge. कबूतर जा 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 कबूतर जा।